नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मुकाम सिंह किराड़ी ने बनवासी क्षेत्रों के विकास के मामले में भाजपा सरकार में कामकाज की सराहना की है। खबर समय जगत से चर्चा में किराड़ी ने कहा कि देश की आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस का शासन रहा है, जिसमें वनवासियों की स्थिति काफी खराब रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांव को गांव से जोड़ने और नदियों को आपस में जोड़ने की योजना शुरू की थी। गांव के विकास के काम बड़े पैमाने पर हुए, जिसका लाभ वनवासी क्षेत्रों को भी मिला है। प्रदेश में 2003 में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही वनवासियों के उत्थान और कल्याण के काम लगातार हो रहे हैं। प्रदेश सरकार में लाडली लक्ष्मी योजना और संबल योजना आदि के माध्यम से जनजीवन और सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की गई है, जिसका पूरा पूरा लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है, जिससे वनवासी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित हो रहा है। सही मायने में वनस्पतियों के उत्थान और कल्याण का काम भाजपा सरकार में ही सही मायने से हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कुक्षी के पूर्व विधायक मुकाम सिंह जी करारा। सर, वनवासी क्षेत्रों की समस्याएं भाजपा विकास भाजपा सरकार में विकास की क्या संभावनाएं, इस पर क्या आपकी राय? देखिए, देश आजाद होने के बाद से लेकर अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही और वनवासी क्षेत्रों में उस समय से अनेक समस्याएं थी जिसको कांग्रेस ने साल नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से आई, तब से लेकर आज तक वनवासी क्षेत्र में अनेकों सौगातें दी है, वे आज मौजूद है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, गांव से गांव जोड़ो, नदी से नदी जोड़ो, इस प्रकार की योजना लेकर आई और इन योजनाओं के माध्यम से गांव-गांव में पक्की सड़कें, गांव-गांव में नदी से नदी जोड़ने का अभियान चलाया गया। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने वनवासी क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ कैसा दिया जाए, काम कैसा हो, इस तहत उन्होंने अनेक योजना बनाई जिसके माध्यम से हम सीधे सीधे वनवासी क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर हमारी योजना का काम कर रही है। जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, ये आपको बिल्कुल दरवाजा खटखटाकर आपको आवाज़ देकर उस योजना का लाभ मिलता है। उसी तरह संबल योजना, जो आज वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा भगवान साबित हो रही है, जैसे कई प्रकार के होनी को होना नहीं चाहिए लेकिन घटना घट जाती है, तो इन घटनाओं में कई ऐसे परिवार है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन परिवारों को सीधा सीधा लाभ मिलता है, आर्थिक रूप से उनको मदद मिलती है। ऐसी योजनाएं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी है, चाहे वो डीप एरिकेशन हो, चाहे सब्सिडी के क्षेत्र में हो, या चाहे स्वजल धारा कूप के क्षेत्र में हो। एक समय ऐसा था कि गांव में सब्जियां नहीं मिलती थी, गांव से शहर की ओर आदमी सब्जी लेने के लिए आता था, सप्ताह में एक बार सब्जी लेने जाता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण गांव-गांव में सब्जियां मिलने लगी, घर घर में दुकानें लगने लगी है, हर चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की देन से किसान अपनी मेहनत से सब्जियों का उपार्जन करने लगे, गेहूं का उपार्जन करने लगे। आप देख रहे होंगे देश भर में मध्य प्रदेश आज गेहूं के उपार्जन में प्रथम आया है और कई बार कृषि कर्मण्य जैसा पुरस्कार लेकर मध्य प्रदेश आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की योजना दी जिससे आदिवासी छात्र छात्राओं को लाभ मिलता है और खास करके आदिवासी छात्र छात्राओं को लाभ देकर उनको स्कूल आने या स्कूल के बाद हाई स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज अधिक से अधिक अटेंडेंस कैसी रहे, ये सोचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर ड्रेस देना चालू करा, साइकिल देना चालू करा, भोजन देना चालू करा है। ऐसी अनेक योजना जो उनको सीधे सीधे जोड़ती है और सीधे सीधे वो स्कूल और बच्चों के बीच में इस योजना चलाई, ऐसा लाभ उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने दिया है
और आदिवासी क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसी के साथ उन्होंने पूरे प्रदेश भर में जो छात्र अच्छा पढ़ना चाहता है, जो विदेश जाना चाहता है, उस छात्र को भी छात्रवृत्ति देने का प्रयास किया है। साथ ही कोई एयर होस्टेज भी बनना चाहे तो उनको भी पूरा पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो नीचे तक प्रदेश के हर मोहल्ले गली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना गई है और आगे भी हम यही संभावनाएं लेकर जा रहे हैं कि हम नदी जोड़ो पानी घर घर नल जल योजना के माध्यम से अभी प्रदेश की सरकार नीचे तक जाने का प्रयास कर रही है। मैं इस समय इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।